नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, इसे तीन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसी में से एक होता है नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और इसका नाम शैवाल। ये क्या होते हैं, एक कोशी की भी होते हैं और बहुकोशी की भी होते हैं। इसको क्या करा, एक कोशी और बहुकोशी दोनों के अंदर खतरा था। शैवाल होने के कारण पहले इसे क्या करा था, पादप जगत में शामिल किया जाता है। किसमें, पादप जगत में, सब शैवाल जगत में शामिल, शैवालों के साथ इंक्लूड किया था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को लगा कि ये नील हरी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया, इसको इन दोनों नाम से जाना जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले, प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना होने के कारण इसे किस जगत में शामिल कर दिया, मोनेरा जगत, जिसमें सारे बैक्टीरिया को शामिल किया जाता है, उस बैक्टीरिया उस जगत में इसको शामिल कर दे। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना थी और प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना केवल किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें होती है, बैक्टीरिया में होती है, ठीक है। अब अगली बात करेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, इसमें से कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण इसे शैवाल से हटाकर उसमें कर देंगे। प्रोकैरियोटिक होते हैं तो कन्फर्म हो गया था, लेकिन नील हरी, हरित मतलब क्लोरोफिल, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखो सबसे पहले तो क्या आएगा कि जड़ नम भूमि में पाए जाते हैं, मतलब कहां पर पानी में और जहां पर नमी होगी वहां पर प्रेजेंट रहता है। क्यों, और बहुकोशी भी होते हैं और एक कोशी की भी होते, दोनों तरह से होते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा ये स्वपोषी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और सी। अब स्वपोषी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे या ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपना खुद रेडी करते हैं। स्वपोषी तो केवल प्लांट्स होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हरित रंग प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खुद रेडी करते हैं। लेकिन ये भी स्वपोषी क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल भी कौन सा प्रेजेंट है, ए और सी, कौन सा, ए और सी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पर क्लियर हो जाती है बात की वो जीव या वो पौधा क्या होगा, स्वपोषी नहीं होगा, विषमपोषी नहीं होगा। विषमपोषी मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड रहना के लिए, लेकिन स्वपोषी मतलब होता है कि अपना खुद खुद रेडी करना। अगली बात है कि इनकी कोशिका के चारों तरफ एक श्लेष्मी का आवरण होता है, मतलब इसकी चारों तरफ एक चिपचिपा श्लेष्मी का आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। अगली, इसकी संरचना बैक्टीरिया से अलग होती है, जो इससे पहले वाला टॉपिक हम बैक्टीरिया की संरचना पढ़े ना, उससे इसकी संरचना बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इनकी कोशिका संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। मेन इसी के कारण इसको क्या कर दिया था, शैवाल से हटाकर मोनेरा जगत में शामिल कर दिया था। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी मंडक होता है, प्रकाश संश्लेषी मंडक का मतलब होता है क्लोरोफिल, जिसमें प्रकाश फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है और भोज पदार्थ प्रोटीन और स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है, मतलब भोज पदार्थ जो रहता है प्रोटीन और स्टार्च के रूप में संग्रहित रहेगा। स्टार्च के रूप में केवल पौधों में रहता है फूड स्टोर, किसमें रहता है, पौधों में जो फूड स्टोर रहता है, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जो स्टोर रहता है, इकट्ठा जो रहता है, वो स्टार्च के रूप में रहता है। ह्यूमन हम लोगों में वो भोजन रहता है ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में रहता है, किसके रूप में, सॉरी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें प्रोटीन और स्टार्च दोनों के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी ऋणात्मक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, अंतर में करवा होगी आप लोगों को, लेकिन ये कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, स्टेन करने पर कलर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए कैसे होते हैं, ऋणात्मक बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम ऋणात्मक। बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर से ये स्वपोषी भी होते हैं, सॉरी ये एक कोशी की भी होते हैं और बहुकोशी की भी होते हैं। पहले ये शैवाल जगत में शामिल थे, शैवाल में शामिल थे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के कारण इसे किसमें कर दिया था, मोनेरा में शामिल कर दिया। ये नम भूमि और जल में पाए जाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपना फूड ड्राइव करते हैं। इनकी कोशिका चारों तरफ श्लेष्मी आवरण पाया जाता है। इनकी कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक होती है। प्रत्येक कोशिका का प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। भोज पदार्थ इसके रूप में स्टोर रहता है प्रोटीन और स्टार्च के रूप में। और ये प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। एक तो कैरेक्टर होता है, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का
वो रहता है। नाइट्रोजन फिक्शन जो मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कैरेक्टर भी पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि जैसे बैक्टीरिया में कोशिका अपसेट रहते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया गाजोगाइट में रेटिकुलम, वैसे ही इसमें भी सारे अपसेट रहते हैं, क्योंकि उसी जगह